हेलो डियर पेरेंट्स, आज हम बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी फूड लेकर आए। हेल्दी होने के साथ साथ ये टेस्टी भी बहुत लगेगा बेबी को खाने में। आज हम बेबी के लिए बनाने वाले हैं राइस और टमाटर रसम की रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है। सबसे अच्छी बात है कि बरसात का टाइम चल रहा है, बरसात के टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है बेबी के लिए कोल्ड कफ में और फीवर में। तो आप इस रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई करना। तो एक मीडियम साइज़ का टोमेटो ले लेंगे और उसे हम स्टीम के लिए रख देंगे पानी डाल के, और 5-7 मिनट में अच्छे से हो जाएगा स्टीम। अब उसके बाद हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे उतार लेंगे। उतारने के बाद हम इसके छिलके को अलग कर देंगे, और छिलके को अलग करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे, और कट करके हम इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए प्यूरी के जैसे तैयार हो गई। हम इसे निकाल के अलग कर लेंगे बाउल में। अब हम गैस पर एक दूसरा पैन रखेंगे, उसमें हम थोड़ा सा डालेंगे 1 चम्मच घी। घी गर्म होगा तो उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा राई के दाने, जीरा और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद हम ये टमाटर की प्यूरी इसमें ऐड कर देंगे और इसके साथ में 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से बॉयल होने देंगे। और इसमें थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे और ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे बेबी के लिए। 1 साल से छोटे बच्चे के लिए अगर बनाते हैं तो नमक को अवॉइड करिएगा। तो ये देखिए अच्छे से बॉईल हो गया है, ये अब रेडी हो गया। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, इसे उतार लेंगे। और यहाँ पे हमने 2 चम्मच बॉयल राइस लिए हुए हैं। आप राइस को तुरंत भी बना सकते हैं, ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। तो ये उबले हुए चावल है, अब उसमें हम ये रसम को ऐड कर देंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं या इस तरह से छान के भी डाल सकते हैं, जिससे बेबी के मुंह में ना आए तो आप छान के भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये देखिए निकाल लिया इसमें, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे चावल के साथ। और ये बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी डिनर तैयार हो गया है। ये आप बेबी को बना के खिलाते हैं मानसून के टाइम, तो बेबी को कोल्ड कफ और फीवर में काफ़ी रिलीफ मिलता है इससे। तो अगर आपको ये हेल्दी सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना।